आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की जय मसीह की। हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से यहाँ पे उपस्थित होते हैं। हम अपने यहोवा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस समय इकट्ठा किया कि हम उनकी स्तुति और प्रशंसा के योग्य बन सके। आइए हम इस प्रार्थना को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सभी अपने आँखों को बंद करें और हाथ जोड़ें और परमेश्वर पिता की ओर चलें। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इकट्ठा किया कि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने वाले बन सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें पिछले फ्राइडे से लेकर परमेश्वर पिता आज के फ्राइडे तक का परमेश्वर पिता आपने संभाले रखा है। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे दुख तकलीफों को दूर करा। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज जो हम सीखते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे मन हमारे हृदय में बसना पाए परमेश्वर पिता। और जो परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में बीज बोते हैं परमेश्वर पिता, उस बीज में से परमेश्वर पिता हम कई फल लाने वाले बन सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने हमें इस योग बनाया कि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा के योग बने। हम आपको इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, बाइबल में लिखा है मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और रहेंगे। परमेश्वर पिता, सारा हाल दिन मैं आपको देते स्मृति को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे और इस गीत के बोल हैं, आओ यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आइए हम इस गीत को गाएंगे, आओ हम यहोवा के लिए yeah।
और उनकी संगति में इस गीत को गाएंगे। और इस गीत के बोल हैं, आराधना हो आराधना, खुदावर यीशु की आराधना। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना, we'll be right back।
कहता है, प्रेरितों के काम उसकी आठवां अध्याय उसके 34 से उसके 40 पद तक यह कहता है, ये कहता है इस पर खोजने इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ यह बात की भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता यह किसी के विषय में कहता है अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, खोजने कहा, देख यह जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल के ऊपर पड़े जल में उतर पड़े और उसने खोजा तो बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता रहुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय फिर को देंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको संभाल कर रखा। बीते हफ्ते उसने हम सबको अपने दाहिने हाथ की संगति में रखा ताकि हम उस जूते परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और उस जूते परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उस जूते परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। सच में ये अवसर परमेश्वर आपको और मुझको देता है कि हम इसके द्वारा प्रभु के वचन को सीखें और अपने आत्मिक जीवन को हम ऊंचा उठाने वाला बन सके। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का यह पवित्र कलाम जो आपके सामने अभी पढ़ा गया है, जो हमें मिला प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका आठवां अध्याय और उसके 34 से लेकर के हम 34 पद से लेकर के 40 पद तक हम लोगों ने बारी बारी पढ़ा और यह परिच्छेद बहुत ही प्यारा परिच्छेद है, बहुत ही सुंदर शब्द है जो आत्मा और गुदे को आर पार भेदता है। यहाँ पे 39 पद में लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। बहुत सुंदर सब लिखा है, और वह आनंद करते हुए अपने मार्ग पे चला गया। सच में जब कोई कीमती वस्तु, कीमती सामान या मन की मुराद जब व्यक्ति की पूरी हो जाती है ना, तो किसी को पास पलट के नहीं देखता। सबसे पहले वो अपना सफर करेगा और वो मंजिल में पहुंच कर धन्यवाद जरूर देता है। और ठीक इसी प्रकार से खोजा का भी हम यहाँ पे जीवन को देखते हैं। खोजा जो यरूशलेम गया हुआ था और प्रभु के वचन को पढ़ते हुए आ रहा था, जो कुशियों की रानी कंदके का मंत्री और खजांची था, वो पवित्र ग्रंथ को पढ़ तो रहा था परंतु समझ नहीं रहा था।
और वो दुविधाओं में था, ये क्या है, ये किसके विषय में है, वो उलझनों में फंसा हुआ था, वचन को छोड़ भी नहीं रहा था लेकिन पढ़ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे समझाने वाला कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस की अगुवाई की और फिलिप्पुस आत्मा में हो करके खुजा के पास पहुंचा और उसे इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में पूरी घटना को बता देता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वध होने के लिए पहुंचाया गया और वह चुप मेमने के समान शांत बैठा रहा और उसका न्याय दीनता से नहीं होने पाया। और उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा कहता है, क्योंकि पृथ्वी में उसका प्राण उठा ले गया। जब खोजा फिलिप्पुस से पूछता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ बता भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, उसने यह किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस अपना मुंह खोला और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बारंबार विस्तार से खोजा को बताता है। और हम आगे पढ़ते हैं, जब वह मार्ग में जा रहा था तो उसे क्या मिला, जल मिला और खोजा था और फिलिप्पुस और प्रभु का नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस अस्दोद की ओर रवाना हो गया और खोजा अपने घर को लौट गया। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सुंदर शब्द हम पढ़े हैं, वहाँ पे लिखा है और वह आनंद करते हुए अपने मार्ग में चला गया। हम आनंद को बहुत ही अन्य अन्य रूपों में देख सकते हैं, हम आनंद को कई रूपों में हम प्रकट कर सकते हैं, हम आनंद को अपने जीवन के महत्वपूर्ण भाग में शामिल कर सकते हैं। और यही वो आनंद, वो सच्चा आनंद खोजा ने प्राप्त किया और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। प्रियो आइए खुदावन के कलाम से छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे कि खोजा अपने जीवन में वो कौन से आनंद को प्राप्त किया, उस कौन से आनंद को वो ग्रहण कर लिया कि वह आनंद करते हुए अपने मार्ग में चला गया। इससे पहले वो पवित्र ग्रंथ को लेकर के उधेड़ बुन में फंसा था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वचन क्या कहता है। परंतु जब पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई की फिलिप्पुस के द्वारा, उसके वचन कहता है उसके जीवन में आनंद आ गया और वो मार्ग में आनंद करता हुआ अपने घर को चला गया। बहुत छोटी छोटी आज कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात, खोजा वह आनंद करता हुआ अपने घर चला गया। पहली बात, खोजा को यह एहसास हो गया कि अब मेरे पूरे पाप वास्तव में निश्चय रूप से मेरे पाप क्षमा हो गए, वास्तव में निश्चय रूप से मेरे पाप क्षमा हो गए। ये खोजा को एहसास हो गया और वह आनंद करते हुए अपने देश चला गया। आज बहुत से लोग आनंद को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह वे निरंतर घूम रहे हैं, परंतु सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो सच्चे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रकाश मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसका हम मरकुस 2:5 को पढ़ते हैं तो वहां पे एक झोले का मारा हुआ व्यक्ति है। मरकुस 2 और उसके 5 में वहां पे एक झोले का मारा हुआ व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, जिसे लकवे का रोग है और वह प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में है और वहां बड़ी भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ लगे होने के कारण उस घर में कोई नहीं आ जा सक रहा, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे
लोग उसकी ओर अपनी नजरें लगाए रहते थे और जब तक प्रभु यीशु मसीह की वाणी वहाँ पे बोली जाती थी प्रभु यीशु मसीह द्वारा, तब तक लोगों का भीड़, चेलों का भीड़ निरंतर बने रहता था। और यहाँ पे एक रोगी है जो लकवे का मारा है और वो प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पा रहा है, दरवाजे में भीड़ है, चारों तरफ से लोग उसे घेरे हुए हैं, परंतु उस लकवे के व्यक्ति के पास इतना विश्वास है कि उसके जो चारों तरफ से लोग उसकी मदद कर रहे थे, वे कपड़े को उतार करके, हटा करके और उसे रस्सी से बांध कर नीचे उतार दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी ओर नजरें उठाए और उसको देखा और कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। तब लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ, यह कहना अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला गया। और वचन कहता है वह उठा और तुरंत अपना खाट उठा करके अपने घर चला गया। क्या यह लकवे का मारा हुआ रोगी जो अपने अक्षम स्थिति में, अपने पैरालाइज की स्थिति में वो पड़ा हुआ है, और जब कोई उसे कहे उठ और अपनी खाट उठा और चल के और अपने घर को जा कहता है, तो मेरे प्रियो आनंद, कितना आनंद उसके जीवन में होगा, जैसे खोजा ने उस आनंद को प्राप्त किया और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि वह अपने पापों से उसके सारे बोझ हल्का हो गए। उसका सारा बोझ था, उसके मन का बोझ था, उसके हृदय में पाप का बोझ था, उसके जीवन में नाना प्रकार की बोझ रहे होंगे, अड़चने रहेंगे कि मेरे को वचन कौन सिखाएगा, कि मैं अपने आप को कैसे जानूं, कि वो पवित्र ग्रंथ में जिसके विषय में लिखा हुआ है क्या यह सत्य है कि असत्य है, कौन बतलाएगा। मेरे प्रियो, जब हम वचन में लगे रहेंगे, जब वचन में हम अपनी नजरों को रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं खोजा को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में होकर के क्या किया, उसकी अगुवाई। आज ठीक परमेश्वर आपसे और मुझसे भी तो यही कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप और मैं क्या करें, उसकी उपस्थिति में, उसकी अगुवाई में हम अपने जीवन को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें कि हमारा जीवन इस पृथ्वी में क्यों महत्वपूर्ण है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28 पद कहता है ना, हे सब परिश्रम करने वालों और भोसे। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना परिश्रम कर रहा है इस संसार में, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे संसारिक रीति में हो, चाहे आत्मिक रीति में हो, लेकिन हमको पहचानना है कि हम परिश्रम किस तरफ कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने परिश्रम का फल हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं, या हमने अपने बोझों को, अपने परिश्रम के बोझों को खुदा पे डाला है कि नहीं। बहुत सोचने की बात, क्योंकि यह वचन हर एक व्यक्ति के लिए है। यदि आत्मिक दृष्टिकोण से आप यदि वचन की सेवकाई कर रहे हैं, यदि वचन को आप पढ़ रहे हैं, वचन को आप सुसमाचार को बांट रहे हैं, तो यह आपका और मेरा कर्तव्य है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। यदि हम संसारिक रीति से अपने शरीर की चिंता कर रहे हैं, तो आज हमें सोचना है कि हम अपने जीवन का कितना भाग अपने शरीर को चमकाने के लिए, इस शरीर को ऊंचा उठाने के लिए हम कितना परिश्रम कर रहे हैं। उस खोजे ने अपने बोझ को हल्का पाया और वचन कहता है 39 पद में, मेरे प्रियो
वह आनंद करते हुए अपने मार्ग में अपने घर अपने निवास स्थान चला गया। तीसरी बात हम देखते हैं, जब यह खोजा खुदावन के पवित्र नगर से यरूशलेम से लौट रहा था, परमेश्वर के भवन से लौट रहा था और वो खुदावन के वचन को पढ़ रहा था और वो परमेश्वर के वचन में अपने आप को डुबोया हुआ था, मानो वह गोता लगा रहा है, किसी चीज की खोज कर रही है, लेकिन वो खोज नहीं पा रहा। सब कुछ सामने रखा है लेकिन मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो कहां से ढूंढ पाएंगे फिर वो? वचन बतलाता है, जब तक हम आत्मा और सच्चाई से खुदावन को न ढूंढेंगे हम नहीं पाएंगे। तीसरी बात, अगली बात हम देखते हैं, हमको खोजा की खोज पूरी हुई। खोजा की खोज पूरी हुई। वो लौट कहां से रहा था? परमेश्वर के पवित्र नगर से, परमेश्वर के पवित्र भवन से। लेकिन उसकी खोज अधूरी थी, इसलिए वो पवित्र ग्रंथ को पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। लेकिन जब खुदावन का आत्मा फिलिप्पुस में उतरा और फिलिप्पुस ने उस खोजे को खुदावन के वचन को बताया और वह आनंद से उस प्रभु यीशु मसीह को पा लिया और उसकी खोज पूरी हुई, तो वचन बतलाता है वह आनंद करते हुए अपने मार्ग में वह आगे बढ़ गया। ये है खोजा की खोज पूरी हुई। जी हाँ, यदि हम जब पहला यूहन्ना और उसका हम जब 35 से 41 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह और यूहन्ना और चेलों का वहाँ पे वर्णन है, तो वहाँ 38 पद में लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से जो दो जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? अब तक इन चेलों का कोई गुरु नहीं था, अब तक इन चेलों का कोई रब्बी नहीं था, परंतु जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाते देखा और इस भविष्यवाणी को सुना था कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है, और इन्होंने उस चीजों को पा लिया, तब यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किसकी खोज में हो? तब ये चेले कह बैठे कि हे, उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? इन्होंने अपनी खोज को पूरी कर ली। और 41 पद कहता है, उसने पहले अपने सगे भाई सैमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। ये अपने खोज में अपनी जीवन के उन कार्यों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अर्थात उत्तम गुरु को पा लिया। किसने? यूहन्ना सैमोन, पत्रस। जी हाँ, ठीक उस खोजा को हम देखते हैं जिसने प्रभु के वचन को समझकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर आनंद के साथ अपने मार्ग में चला गया, जिसके जीवन की खोज पूरी हो जाती है वो आनंद से क्या करता है? आनंद करता। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, हमारी मम्मी हम लोगों को एक कहानी बताती थी और वो बोलती थी, तुम लोग घोड़ा बेच के सो रहे हो,
तो हम लोग समझ नहीं पाते थे कि घोड़ा बेच के सोना क्या होता है। तो एक बात फिर बताइए कि वो व्यक्ति अपने अस्तमल से लेकर के ढेर सारे घोड़ों को लेके गया और बेचा, और उस दिन उसके सारे घोड़े बिक गए। और वो जब लौट के आया तो कहते हैं कि वो अपने घर में दिन भर सोया। इसलिए कहते हैं कि घोड़ा बेचकर सोना। हमको ये प्रश्न का उत्तर मिला था। तो ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ, जब व्यक्ति को उसकी खोज पूरी हो जाती है तो आनंद करते हुए क्या हुआ, अपने घर को चला गया। ठीक हमें भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव में, दौड़ भाग में निरंतर प्रभु की खोज में रहना है। और उसकी वो कथन बहुत अच्छी है, शब्द बहुत अच्छे हैं, या नहीं कि मैं उत्तम पदार्थ को पा लिया परंतु मैं उसकी ओर और अग्रसर होते चला जाता हूँ। पौलुस सच में पौलुस था। उसका जो थीम थी वो ये नहीं कि पा गया और उसमें बढ़ता जाऊं लिखा, अगली बात जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है, खोजा अब जान लिया। जब वह बपतिस्मा लेकर के निकला, तब मानो ऐसा लग रहा था कि खोजे के जीवन में नई सामर्थ, नई ऊर्जा, नई ताकत प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन में भर गई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ भर गया, वो प्रभु यीशु मसीह में विजय हो गया और वो आनंद करते हुए अपने मार्ग में चला गया। क्या ही सुहावना होगा वो पल कि जब वो प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेकर के वहां से निकला। हम जब बपतिस्मा लिए थे प्रियो, हमें तो महसूस भी नहीं था। हमारे मम्मी बोले बड़े हो गए चलो बपतिस्मा ले लो, लेकिन मेरे प्रियो मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को ना पा लो, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में ना टूट जाना, तब तक बपतिस्मा नहीं लेना। उसका सच्चा अर्थ यही है, टूट कर प्रभु यीशु मसीह में पूरा बनना। और यहाँ पे हम खोजा को देख रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में एकदम सरोबार हो गया, अब बस इसके आगे कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, तब उसने क्या कहा, ठहर जाओ फिलिप्पुस, सामने जल है, बपतिस्मा देने के लिए तू है और उस जल में बपतिस्मा लेने वाला मैं हूं, तो अब मुझे कौन रोक सकता है। इसलिए जब कभी आप बपतिस्मा लें तो प्रभु यीशु मसीह को सच्ची हृदय से ग्रहण लेना। विवाह के लिए बड़े हो गए, समझदारी हो गई, इन बातों के लिए कभी भी आप बपतिस्मा नहीं लेना, नहीं तो आप और मैं उद्धार से वांछित हो जाए, सच्चे उद्धार से। जैसे सच्चे उद्धार को जब वो प्राप्त किया खोजा ना, तो आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। वो नई सामर्थ को प्राप्त किया, वो आशीष को प्राप्त किया, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। और वचन कहता है मेरे प्रियो, आनंद करते हुए अपने मार्ग में वापस लौट। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, इन सब बातों को पढ़ते हैं, इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो हम सब की भी इस खोजे के समान यही होना चाहिए कि आपका
और मेरा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार से खोजा सोचा होगा, जिस प्रकार से खोजा उस आनंद को प्राप्त किया, जिस प्रकार से खोजा अपनी खोज की पूरी की, जिस प्रकार से खोजा को पापों की क्षमा हो गया, उसका बोझ हल्का हो गया, अब उसका आनंद, अब उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तभी तो आनंद करते हुए कहां गया, अपने देश को लौट गया। और यही बात पौलुस बड़े आनंद के साथ बतलाता है। गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 20 पद क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, पर अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है, ये हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, ये हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, हर ये उद्देश्य हर एक व्यक्ति का होना ही चाहिए। यदि यह उद्देश्य नहीं होगा तो आज हमारी खोज पूरी नहीं है। अर्थात आज हम भी सिर्फ जल में डूब के निकले हैं, जैसे पुराने कपड़ों को धो करके नया किया जाता है, हम वैसे हुए हैं। हमें ऐसे नहीं होना है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह। और आगे क्या कहता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं कि जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये है पौलुस का मसीह में जीना और मसीह में मरना, ये उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि अब हमने प्रभु को पा लिया, अब हमें क्या आवश्यकता, हमारे नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। नहीं क्यों, इसराइली लोग भी, परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला था क्योंकि उनके चित में था कि मेरे बेटे इसराइल मिस्र में तकलीफ को पा रहे हैं, उन कष्टों को झेल रहे हैं, मैं उनको निकाल के लाऊंगा, ये परमेश्वर की योजना। लेकिन उन लोगों को निकलने का शौक नहीं, और निकले भी तो अधूरे मन से निकले। वो निरंतर यहोवा को, निरंतर परमेश्वर के दास मूसा को भला बुरा बड़ा बड़ाते रहे। जी नहीं, हमने ऐसा जीवन नहीं जीना है। यदि हमने ठान लिया तो पौलुस के समान कहना है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित। तब उस खोजा, तब आपकी और मेरी खोज पूरी होगी जिस प्रकार की उस खोजा की खोज पूरी हुई। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उसने आप और मुझको भी आज संभवता अपने आनंद से भर दिया है। आप और मैं जब यहाँ से लौटें तो इस आनंद को हम ग्रहण करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने जो हमें स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में एक नाम दिया, जीवते प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया, हम उस नाम को लेकर के आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे आनंद को बरकरार रखा, हमारे आनंद को हमसे छीना नहीं, परंतु उस आनंद को उजागर किया कि प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा आनंद निरंतर फलता फूलता जाए और तुम भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में संगति करते जाओ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज आपने अपने वचन के द्वारा इस खोजे के जीवन से सिखलाया कि हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पूर्ण करना है, उस आनंद को कैसे हमें प्राप्त करना है, ये आपने हमें सिखलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, निरंतर जिस प्रकार से आपने हम पर अपने अनुग्रह को मिला, वैसे ही आप हमें हर पल से मांगे। खुदा बाप धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस आगरा मसीह मंडली पेज में
एक अवसर दिया। खुदा आप धन्यवाद देता हूँ। इस पेज को संचालन करने वाले और इस पेज में शरीक होने वाले तमाम भाई बहनों को हे यीशु हम आपके जोरावर हाथ में सौंपते हैं और हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम कल्याण की घोषणा करते हैं। हर एक को प्रभु जी आप नाम बनावा सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आप विनती को सुनिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जन्म से।